सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गाइज अभी मैं किधर हूँ आप लोग देख सकते हो, ये हमारी ओल्ड बिल्डिंग है जिधर हम पहले रहते थे। तो अभी इधर मेरी फैमिली रहती है, तो इधर मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। एंड आज के व्लॉग में हमने कुछ डिसाइड कर रखा है, वो करेंगे। तो चलो चलते हैं एंड ब्रेकफास्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऐसे रोड्स पे व्लॉग नहीं करता, बट मेरे को चेकआउट करना था कि ऐसे फोटो ब्लॉगर्स जो होते हैं कैसे ब्लॉगिंग करते हैं गाड़ी चलाते। अभी मैं सोसाइटी में हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कैसे, इतना हार्ड होता है ऐसे ब्लॉग करना। तो गाइज यार, अभी मैंने एक्टिवा पे चलाते चलाते व्लॉगिंग ट्राई करी। तो यार यूजुअली अगर आपको एक हाथ से एक्टिवा चलाने की प्रैक्टिस है तो इतना हार्ड नहीं है, बट हाँ ये न्यू एक्टिवा पे नए नए अभी अभी सीखे उनके लिए थोड़ा हार्ड होगा, बट अगर आप ऑलरेडी चलाते हो तो इतना हार्ड नहीं है। घर पे गया था एंड घर पे एक सीन हो गया। हम लोग ने टू साइड गेमर्स के लिए एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो में वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अभी हमें वो वीडियो बनाने के लिए फिर से स्टूडियो आना पड़ा। एंड मैंने खाना खाने के लिए घर पे गया था, तो खाना तो खाया नहीं मैंने, तो मैं इधर ही खाना पार्सल लेके आया हूँ टिफिन में। और ये गाइस, ये जो छोटी पूड़ी रहती है ये आई थिंक राजस्थानी फूड रहता है या फिर और भी सिटीज़ में बनता है, मुझे पता नहीं। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और भी सिटीज़ में ये चीज़ खाते या नहीं, ऐसा पूड़ी अचार और इसके साथ खीर होती है। तो यस, अभी ये खाते हैं। एंड गाइस आज का हमारा प्लान फिक्स है किधर हम जाने वाले, खाने ही जाने वाले, बट यस ये खाते हैं एंड फिर चलते। तो गाइज अभी खाना वाना सब खा के हो चुका है, वीडियो भी अपलोड पे रख दिए। आज काफ़ी लेट हो गया क्योंकि वॉइस की वजह से वापस री रिकॉर्ड करनी पड़ी वीडियो। एंड अभी मुझे एक ब्रोकर का कॉल आया था कि एक और फ्लैट अवेलेबल है बूट कैंप के लिए, तो अभी मैं वो जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग का उसने नाम बोला है, तो फ्लैट भी अच्छा ही रहेगा। मोस्टली ये फ्लैट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि ये मैं पहले देख चुका हूँ एक बार, तो आज फिर से हम वो फ्लैट देखने जाएंगे एंड उसके बाद अपना जो आज का प्लान है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी फटाक से कपड़े चेंज करते हैं, रेडी होते हैं एंड निकलते हैं फ्लैट देखने के लिए। एंड आई होप आज काम हो जाए यार। अभी मैंने चेंज तो कर दिया है और मैं वापस अपने ओल्ड घर पे आया हूँ। भाई की एक्टिवा लेके गया था तो उसका एक्टिवा चाहिए थी, तो वापस इधर आया हूँ। और अभी 3:50 हो चुका है और मेरे को 4 बजे फ्लैट देखने जाना था, तो अभी आई डोंट नो मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं। तो शायद से आज फ्लैट देखना अवॉइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, बट अभी कुछ भी चेंजेस हुए नहीं है प्लान में, तो वही प्लान है। तो फटाफट से चाबी देते हैं एंड यहाँ से निकलते गाइस। तो गाइस आज तो अपन मैक्स लेट चल रहे, ब्रोकर के कॉल पे कॉल आ रहे, 4:15 हो गया। मैंने उसको बोला था तू 4 बजे से लेट मत करना और मैं खुद ही मैक्सिमम लेट हूँ, भाग के आया हूँ अभी। मैं अभी बस कार्ड लिए, अब फटाफट ब्रोकर के पास जाते हैं, फ्लैट देखते हैं। अपना जो बुकिंग टाइम है 5 बजे उधर पहुँचना है, तो वो भी थोड़ा लंबा है, तो होपफुली 5 बजे तक पहुँच जाए तो अच्छा है। बहुत थक गए गाइस आज। तो गाइस ये एक और फ्लैट है जो अभी हमने देखा है एंड इसका अभी थोड़ा काम चल रहा है। बाहर का व्यू मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा बैल्कनी है और ये व्यू है। तो कमेंट में बताना गाइस ये या वो। तो भाई हम किसके घर पे? तो गाइस हम हमारे नेबर के घर पे आए, उधर टोटल 40 कैट्स रहते हैं लिटरली गाइस, पूरे घर में कैट है। ये देखो कैट हाउस बना रखा है गाइस, इससे ब्यूटीफुल चीज मैंने आज तक कुछ नहीं देखी, मतलब एक ही घर में 40 गेट्स। ये देखो ये मॉम और उसका बेटा है, ऐसा कुछ है। और सामने व्यू देखो यार, और इसमें बहुत सारी ऐसी कैट्स भी है जो सिर्फ महाराष्ट्र में इधर ही, लाइक एक टाइगर कलर एक्सक्लूसिव है भाई, बहुत क्रेजी गाइस, क्रेजी। अभी हम लोग फ्लैट फिक्स करके आ गए, तो अभी फाइनली वही बूट कैंप रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सब डन हो गया, मीटिंग वगैरह सब डन हो गई एंड फाइनली मैं भी खुश हूँ क्योंकि इतना टाइम से हम लोग देख रहे थे एंड फाइनली मिल गया। तो अभी एंड गाइस हमारे नेबर्स के घर पे लिटरली 40 बिल्ली, 10 रैबिट और डॉग्स भी थे, मतलब क्रेजी घर यार, क्या घर था उनका, मजा आ गया। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं जिधर हम जाने वाले थे आज पूरे दिन में, फाइनली अभी हम लोग लेट है उधर पहुंचने के लिए, तो वो चीज चली ना जाए उधर से, तो देखते हैं अभी पहुंचने के बाद क्या होता है। गाइस फाइनली इधर लीना हमारे साथ वापस आ चुकी है एंड गाइस आने वाले 1-2 हफ्ते के व्लॉग्स में आप इसको देखोगे क्योंकि बाकी हमारे सारे फ्रेंड्स बिजी है, यही एक अकेली वेली फ्रेंड है, मैं वेली नहीं हूं, मेरी हेल्प करना है जो हमारे साथ व्लॉग में हेल्प करती है। तो फिलहाल गाइस हम आए हैं इधर गायमुख करके, ये एक जगह है और इधर एक नई शिप चालू हुई है, क्या है ये? द सी। और क्या होता है इसमें? ये एक क्रूज है जिसमें हमको 1 घंटे का ये लोग घुमाएंगे। तो गाइस इसमें ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, थाने में पहली बार ऐसा कुछ खुला है, तो हमने बोला क्यों ना ट्राई करे ये और रिव्यू डाले इसका, तो लेट्स सी गाइस कैसा एक्सपीरियंस होता है। ये रही सामने बोट, तो हमें जैसी दिखाई थी वैसी है नहीं, बट यस लेट्स सी अंदर जाके देखते अंदर क्या है। गाइस स्टार्टिंग में इधर हमें कुछ ये पहनाया, बैंड ये सजा तो बहुत अच्छे से रखी है,
और ये जो पानी है ये थोड़ा सा गंदा हो रखा है, बाकी तो कुछ नहीं। फूड के अंदर वाले पार्ट में आए, सेकंड फ्लोर ए ग्राउंड फ्लोर है साइड से, तो इधर हमने अभी कुछ खाने को मंगाया है। इधर भी एक रेस्टोरेंट है और गाइस ये बहुत ही क्रेजी है, मतलब अंदर से पूरा ऐसा इसी रेस्टोरेंट बना रखा है। कैसा लगा? ये अच्छा है, ऊपर से देखा था तो लग रहा था स्कैम हो गया हमारे साथ। तो हाँ, अभी ये लोग इधर क्लबिंग वाइब्स देंगे और इधर बाजू में ही पानी है, ऐसा लग रहा है पानी में बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं। और भी खाना हमने मंगाया इधर, तो लेट्स सी वो आता है, वेट करते हैं। एंड पूरा ट्रिप एंड होने के बाद एक हॉनेस्ट रिव्यू देंगे। एंड यस, अभी खाना है, फूड एंजॉय करते। तो गाइस फाइनली बोट स्टार्ट हो चुकी है और सामने सनसेट क्या मस्त दिख रहा है। एंड यस, कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि गाइस अभी ठंडा भी हो गया है एंड गर्मी भी नहीं लग रही है और ये चल रही है अभी। तो गोवा में आ गए हम। गोवा तो ये किसी हालत में नहीं लग रहा है गाइस, गोवा जैसी जगह नहीं है कोई। मैं भी गई हूं ना, ये स्टिल ये बेस्ट प्लेस अभी थाने के लिए, तो अच्छी है थाने में। तो ये खाना मंगाया गाइस अंदर। तो गाइस फाइनली ये सफर एंड होता है और बहुत, मतलब थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लग गया अंदर, बहुत अच्छा वाइब बना, म्यूजिक चल रहा था मस्त। देख सकते हो गाइस कितना अंधेरा हो गया, मतलब पूरा नाइट हो चुका है। एंड अभी ये आ चुकी है फाइनली डेस्टिनेशन पे, तो चलते हैं। एंड यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेस व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अभी हम रात के 4 बजे मैकडी में आए हैं और पूरा मैकडी हमारा है क्योंकि ये पूरे मैकडी में कोई भी नहीं है लिटरली। लिटरली गाइस हम मैकडी में घुस के कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि कोई है ही नहीं मैकडी में। मैकडी अवार्ड, बेस्ट मैकडी स्टोर अवार्ड। लिटरली गाइस रात के कितने बज गए? 4 5 बजने आए मेरे को, 4 बजे और पूरा मैकडी खाली। भाई लिटरली चोर वाली फीलिंग आ रही है। हम तो अच्छे आदमी है बट यस, अगर मैकडी इफ यू आर ब्रो क्लाउन, देयर इज क्लाउन, आई वांट टू टॉक टू क्लाउन। क्लाउन वो बाहर खड़ा है भाई, वेट 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 भाई, यू नीड अ बेटर स्टाफ, यू नीड अ बेटर स्टाफ। मास्क पहना है तुमने, अंदर कोई रख भी देते।